हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो यार जैसे ना आप सबको पता है, एक छोटी सी ट्रिप मार के आए थे, गाड़ी बड़ी ज़्यादा गंदी थी, तो अभी ना इसको ही वॉश करवाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसका कोई आवाज़ कर रही थी नीचे से, वो भी चेक कराते हैं। तो करते हैं एक व्लॉग शूट और दिखाते हैं आप सबको। बाकी आज वेदर भी ठंडा ठंडा है, तो चलते हैं। सो गाइस, अभी ना यहाँ फोकस रखना अपना, बस देखना। अभी आपने बड़ी गाड़ियों में रॉकेट मोड, स्पोर्ट्स मोड देखा होगा, इसका रॉकेट मोड चेक कराते हैं आपको। गाड़ी आ गई आगे से, क्लोज टू 100 गाइस। यार मेटाडोर आ गई थी ना आगे से, नहीं तो इस बार 100 क्रॉस करके छोड़नी थी अगर नहीं आई होती तो। बाकी यार नहाने का भी प्लान बन रहा था, लेकिन काम है ज़्यादा तो इतना टाइम नहीं है, नहीं तो नहाना था आज। तो पानी भी बिल्कुल साफ है, थोड़ा सा ना गाड़ी का भी काम करवाना है। तो ये देख रहे हो आप, छोटी सी आवाज़ हो रही है पीछे ठक ठक की, ये यार बड़ी अनोइंग है। ये चीज़ चेक करवानी है, तो उसके बाद गाड़ी वॉश कराने में बहुत टाइम लगेगा। नीचे से ना गाड़ी में इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी है, जब मैं वॉश करवाऊँगा तब दिखाऊँगा आपको, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है गाड़ी नीचे से। अंदर से साफ ही है वैसे, एसी लगाया होता है, मिरर्स वगैरह बंद होते हैं, साथ में बारिश पड़ी होती है ना, डस्ट नहीं इतनी रहती तो अंदर नहीं आती डस्ट। सो गाइस, बिल्कुल ना थोड़ी सी जगह बची हुई थी, ट्रक बिल्कुल इसी तरफ था, तो यार यहाँ पे सिंगल रोड है ना, तो उसकी वजह से दो गाड़ियाँ एक साथ निकलना मुश्किल हो जाती हैं। कि यार आज मौसम बड़ा अच्छा है तभी मैं आया हूँ, नहीं तो गर्मी थी ना पहले तो इसलिए आया नहीं। गर्मी में ना यार आया नहीं जाता बाहर, बुरी हालत हो जाती है। आज मौसम अच्छा तो आज आ गए हम चक्कर लगाने। यार इसका स्टेबिलिटी का बड़ा चक्कर है गाड़ी का, नहीं तो स्पीड बंदा चला लेता लेकिन ज़्यादा नहीं चला सकते ना, जैसी इसकी स्टेबिलिटी है ना। गाइस चेक कर रहे हो यार, ये गाड़ी कहाँ बीच में आ गई यार। गाड़ी चेक हो रही है, भैया ले रहे हैं टेस्ट ड्राइव, भैया को पता चल जाएगा क्या आवाज़ हो रही थी, हमें तो पता चलता नहीं इतना, अभी देखते हैं। तो यार अभी ना भैया ने टेस्ट ड्राइव ली और अभी वो आवाज़ ही नहीं हुई, उस दिन दो बारी हुई थी, अब कुछ फंस गया होगा ऐसे ही, मुझे लगा फिर भी चेक करवा लेना चाहिए ना, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ रास्ते में कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है, इसलिए मैंने कहा चेक करवा लेते हैं, कंफर्म हो जाता था। वही अभी की भैया ने पूरी टेस्ट ड्राइव ली, तो कह रहे हैं वो कुछ ऐसे ही होगा, फंस गया होगा कुछ। तो यार अभी ना भैया ने टेस्ट ड्राइव ली और अभी वो आवाज़ ही नहीं हुई, उस दिन दो बारी हुई थी, अब कुछ फंस गया होगा ऐसे ही, मुझे लगा फिर भी चेक करवा लेना चाहिए ना, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ रास्ते में कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है, इसलिए मैंने कहा चेक करवा लेते हैं, कंफर्म हो जाता था। वही अभी की भैया ने पूरी टेस्ट ड्राइव ली, तो कह रहे हैं वो कुछ ऐसे ही होगा, फंस गया होगा कुछ। तो यार अभी ना गाड़ी जंप वगैरह में पड़ती है ना, तो थोड़ी बहुत आवाज़ करती है, वही चेक कर रहे हैं। अब आपको पता ही है काम में करवाते ही यहीं पर, एक ये वीडियो में भी ब्लर बड़ी जल्दी मार देता है। एयर फिल्टर साफ करने लगे हैं, अभी ब्रेक ऑयल भी थोड़ा कम था वो डाला, तो ना इसका नट वगैरह लूज था, तो शायद ये फेंडर ही आवाज़ कर रहा था, देखो ब्लर देखने कैसे बचता है इसमें। सो गाइस, जहाँ पे ना मैं गाड़ी वॉश करवाता हूँ आज, वो भैया है नहीं शॉप पे, ईद है ना तो इसलिए घर पे काम वगैरह होगा उनको, साथ में कह रहे थे कुछ फंक्शन वगैरह, तो पहले उनको कॉल नहीं किया, उनका ना नंबर नहीं लिया था मैंने, तो अभी किसी और सर्विस स्टेशन पे ही करवाते हैं गाड़ी को वॉश, तो चलते हैं करवाते हैं वॉश जल्दी से। Yes।
करा दिया है। अब गाड़ी को देख के फील आ रहा है तगड़ा वाला। अंदर बैठ के तो जो फील आ रहा है वो तो आप पूछो ही मत, गंदी होती है ना, मज़ा ही नहीं आता अंदर बैठ के। अभी चमक गई है पूरी, चलते हैं बस अभी। सो गाइस अभी ना भैया के पास ऐसा मुझसे मिलने, शूज़ वगैरह चेक कर रहे हो आप, जो फर्स्ट कॉपी मास्टर कॉपी सब मिल जाएगा। विजिट करना है कैंपबेल डंगा में, फॉर एवर फैशन, आपको पहले भी बताया। शूज़ तो तगड़े हैं यार। अभी शर्ट वगैरह लेनी है तो वो दूसरी शॉप पे है सामने, वो भी भैया की है, जाके देखते हैं अगर कोई पसंद आती है तो। कि ये चीज़ चेक करो आप। सो गाइस यार मेरे ना साइज़ की शर्ट नहीं मिल रही, ये पसंद आई, ये साइज़ की नहीं है। एक कहाँ गई, एक और थी वो पता नहीं कहाँ रखी भैया ने, एक और पसंद आई वो भी मेरे साइज़ की नहीं है, क्या कर सकते हैं। शर्ट वगैरह ले ली है तो अभी मतलब थोड़ी फिटिंग वगैरह कराएंगे, फिर ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो गाड़ी भी वॉश करा ली, अभी चलते हैं बस। सो गाइस शर्ट वगैरह लेनी थी वो भी ले ली, भैया से मिल भी लिया, और गाड़ी भी वॉश करवा ली, चेक भी करवा ली, बस अब चलते हैं घर पे। तो यार अभी ना फिर से रुकनी है कुछ सामान लेने के लिए, घर से बाहर आओ तो छोटा मोटा काम बहुत होता है, सारा करना पड़ता है। अभी भाई गया लेने, तो बस फिर चलते हैं घर पे। गर्मी बड़ी ज़्यादा है यार, गाड़ी में बैठो एसी लगाओ, बाहर उतरना पड़ता है बार बार, फिर उस वजह से गर्मी बड़ी ज़्यादा लगती है। अंदर तो ठीक है गाड़ी। सो गाइस घर पे पहुंच चुका हूँ मैं, गर्मी से हालत देख लो मेरी। तो जिन जिनको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं फिर अगले किसी अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और अब अपनी बीस्ट हो चुकी है पूरी क्लीन, अब मज़ा आ रहा है ना इसको देखने का।